नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे इस परफेक्ट अपडेट गार्डनिंग चैनल पर। जस्मीन यानी मोगरा, मोगरा की फ्रेगरेंसेस, मोगरे के फूल की जो खुशबू होती है बहुत ही लाजवाब होती है। चलिए दोस्तों, आज हम छोटी सी इसकी केयर के बारे में जानेंगे कि गर्मी में हम इसे किस तरह से देखभाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब इसकी खुशबू जो है लगती है, इस तरह से जब इसकी पेटल खुल जाती है और वहाँ के आसपास की जो एरिया होती है वो पूरे अपने खुशबू से पूरे महका देती है। मोगरे के दोस्तों आप कटिंग के द्वारा भी आप लगा सकते हैं। नर्सरी से जब इसके पौधे आप जब लेके आते हैं तो पेंसिल की थिकनेस जो मोटाई होती है उस तरह की ब्रांच आप ले सकते हैं। 5 इंच की ब्रांच आप कट करके लगा देंगे, आप देखेंगे लगभग 20 से 25 दिन के अंदर में ये इससे नई रूट निकल जाती है और कटिंग को आप बड़ी आसानी से इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। मतलब एक मोगरे के पौधे से कई सारे मोगरे आप बना सकते हैं। मोगरे के जो पौधे होते हैं उनमें फूल जो है मार्च के बाद स्टार्ट, फरवरी में इसके फूल जो है आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि फरवरी से लेकर जुलाई तक इसमें फूल लगते ही रहते हैं। जैसे जैसे बारिश बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फूल आपके घटते जाएंगे। गर्मी के मौसम मोगरे के लिए बहुत ही बेस्ट मौसम है और इन मौसम में इनके फूल जो है काफ़ी गुच्छे की सूरत में आते हैं। फूल ज़्यादा पाने के लिए हमें कुछ टिप्स को फॉलो करने होते हैं, जैसे कि इस तरह से फूल जब सूख जाते हैं दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आप नीचे से इसकी ब्रांच को आप कट कर सकते हैं। ब्रांच को जैसे ही इस तरह से पिंच करेंगे, इस तरह से आपको कट कर देनी है हाथों से या फिर कटर से, आप देखेंगे वहाँ से उसकी नई ब्रांच डेवलप हो जाएगी। ये देख सकते हैं इस तरह से नए शूट्स आते हैं। यहाँ से आप किसी कटर के माध्यम से इस तरह से कट कर दें। कट करने के दौरान आप देखेंगे 3 से 4 दिन के अंदर में उस पर दोनों साइड से नई ब्रांच शूट्स निकलते हैं, जिससे आप देखेंगे जितने नए शूट होते हैं उन्हीं में मोगरे के फूल लगते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से कट किया हुआ था तो एक ब्रांच यहाँ से डेवलप किया हुआ है। ज़्यादा फूल पाने के लिए ये तरीका आपको थोड़ी करनी होगी, थोड़ी सी अगर आप केयर करेंगे आप देखेंगे जो फूल जिस ब्रांच में सूख रही है वहाँ से आपको कट करके हटा देनी है, जिससे कि आपके मोगरे में इस तरह से फूलों की संख्या और भी बढ़ जाएगी। मिट्टी की ख्याल रखनी है, मिट्टी को हमेशा नमी बना के रखनी है, मिट्टी को सूखने नहीं देनी है, खास करके गर्मी के मौसम में, क्योंकि तो अगर मिट्टी आपको पूरी तरह से ड्राई होगी तो जो कलियाँ खिलेंगे वो झड़ जाएंगे। इसलिए आपको पानी आपको बैलेंस रखनी है, प्रॉपर ओवर वाटरिंग भी हमें नहीं करनी है, इन बातों का भी ध्यान रखनी है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से जो भी अनवांटेड आपके गमले में पौधे उगते हैं उन्हें भी साफ़ करें। और अभी मिट्टी आप हमारे देख सकते हैं कि किस तरह से मॉइस्ट बनी हुई है। इस तरह से मॉइस्ट मिट्टी मोगरे के प्लांट को काफ़ी पसंद है, तो आपको पानी का जो भी ख्याल है वो आपको बहुत ही ध्यान रखनी है, जिससे कि आपके मोगरे में इस तरह से कलियाँ जो हैं वो खिलते रहेंगे। ये इसके बड है, जैसे ही इसकी बड खिलेंगे और वहाँ से खुशबू इसकी जो है वो बिखरने लगेगी। बहुत ही लाजवाब ये पौधे हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी आप इसे खाद दे सकते हैं, गोबर की खाद। आप 10 इंच के गमले में लगभग 30 से 40 ग्राम गोबर की खाद, पुरानी सड़ी गली होनी चाहिए, वो आप दे सकते हैं। उसके बाद गोबर की खाद देने के बाद आपको तुरंत पानी आपको देनी है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास इसकी मदर प्लांट है और कई सारे हमने इसकी कटिंग से भी तैयार किया हुआ है, कटिंग से भी आप इसको लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह से फूल जैसे ही सूखते हैं दोस्तों इसे हमें कट करके हटानी है, जिससे यहाँ साइड से बहुत सारे इसकी फिर से नई शूट्स निकलती है, नई ब्रांच निकलती है इस जगह से, ये आप देख सकते हैं। तो गोबर की खाद भी आप दे सकते हैं या फिर अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है वो भी आप दे सकते हैं। लिक्विड कंपोस्ट जो होती है, लिक्विड कंपोस्ट इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो अगर हर 10 दिन के अंतर में आप लिक्विड कंपोस्ट देंगे तो पौधे के ऊपर जो फूल हैं वो काफ़ी बूस्ट मतलब तरीके से वो खिलेंगे। इस तरह से आपको यहाँ से सूखे ब्रांच को हमें रिमूव करनी चाहिए। दोस्तों मोगरे का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही अधिक रूप में किया जाता है मेडिकल्स में, कॉस्मेटिक चीज़ बनाने में, जैसे कि अगरबत्ती या फिर परफ्यूम, बहुत सारे ऐसे इत्र भी बनाए जाते हैं। इनकी खुशबू बहुत ही लाजवाब है, इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा लोग किया जाता है। इनके पौधे भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि इनकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है और महिलाएं गजरे के रूप में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अपने बालों में इसे फूल जो है माला बना करके लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।
तो कई रूप में मोगरे का इस्तेमाल होता है। अगर आप मोगरे को लगाना चाहते हैं तो बहुत ही बेस्ट प्लांट है खुशबू के रूप में, और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि इनके पत्तियाँ की जो खूबसूरती है वो भी पत्तियाँ की जो काफ़ी ग्रीन और लाइट ग्रीन लगती है। तो आप मोगरे को बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पिछले ही रिसेंटली इसकी वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया हुआ था कि आप मोगरे को किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं, तो उस वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल के साथ बताया है कि आप किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। मोगरे प्लांट को रिपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। 1 से 2 साल के बाद गमले में जब आप इसे लगाते हैं तो उसे रिपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि गमले के अंदर में इसकी रूट जो है काफ़ी डेवलप हो जाती है और रूट जो है काफ़ी बॉन्ड हो जाती है। रूट ज़्यादा हो जाएगी गमले के अंदर में तो ऊपर से उसकी नई ग्रोथ थम जाएगी, ना ज़्यादा फूल लगेंगे और ना पौधे की हेल्थ सही होगी। इसलिए हर 1 से 2 साल के बाद इसे रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्ट के दौरान इसके लगभग 60% रूट को हम कट करके हटा देते हैं और उसमें फिर से हम मिट्टी और खाद को हम फिर से मिक्सर मिला करके उसे हम पौधे को शिफ्ट कर देते हैं। आगे से फिर से आप देखेंगे उस पौधे की ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है और फ्यूचर में जो भी फूल लगेंगे वो काफ़ी अधिक लगते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप गमले में जो मोगरे के पौधे लगाए हैं और ज़्यादा दिन हो गए हैं, लगभग 1 से 2 साल, तो उसे आप रिपोर्ट ज़रूर कर दें। रिपोर्ट किस तरह से की जाती है अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट करने की, मोगरे को आप किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं उसकी कंप्लीट वीडियो हमने दे रखा है, तो लिंक को टच करेंगे तो डायरेक्ट आप उस वीडियो पे शिफ्ट हो जाएंगे और आप देख सकेंगे कि मोगरे पौधे को हम किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। कीट का अटैक जो है ज़्यादा इन पौधे पे देखा नहीं गया है। अगर आपके पौधे के ऊपर कीट लगते हैं तो नीम ऑयल का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, वो भी आपको शाम के समय में ही करनी चाहिए। 5 बजे के बाद आपको इसकी स्प्रे करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो जो होगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस